बार रहती हैं, कभी होती हैं, कभी बुरी नहीं होती हैं। तो इस बार भी उम्मीदें हैं कि शायद मिडिल क्लास के लिए कुछ अच्छा होगा। क्या उम्मीदें हैं? थोड़ी महंगाई, वही महंगाई, हाँ महंगाई कम हो, पेट्रोल के दामों में थोड़ी सी कमी होनी चाहिए ताकि एक घर चलाने में भी आसानी हो। हाँ और रेल पे आपको क्या उम्मीद है? अभी आप लोग कहीं जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं? हम लोग तो रेल बजट पे क्या उम्मीद है? रेल बजट में भी यही है, वैसे तो सब ठीक है, थोड़ी सी फैसिलिटी और इम्प्रूव होनी चाहिए। आम बजट आ रहा है, इसके साथ साथ रेल बजट भी पेश किया जाएगा, साथ में मर्ज हो गया। क्या क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? और जिस तरीके से महंगाई हो, टैक्स में कुछ छूट की बात हो, क्या चाहते हैं आप अगर अपने बारे में? देखिए पहला तो यही है कि बीइंग ए मिडिल क्लास पर्सन और सर्विस क्लास में है, तो जो टैक्स स्लैब में है उसमें थोड़ा सा उनको रैशनल करना चाहिए ताकि हम लोगों को भी राहत मिले। आप देखेंगे कि जो मेजर चंक है इनकम टैक्स का वो सर्विस क्लास से ही आता है और उसमें राहत ही नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% है और 5 लाख से सीधा 20% हो जाता है। इसको रैशनल करने की जरूरत है एज पर माई ओपिनियन। रही बात रेल बजट की, तो जैसे मैंने कहा कि तेजस एक्सप्रेस चलाई है जो बॉडी मेरे एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मोदी जी के, बट उसके आप जब फेयर देखेंगे तो इतने डायनेमिक हैं कि वो किसी भी आम पब्लिक के लिए होता नहीं है। तो मुझे लगता नहीं है कि वो एक लॉन्ग वेंचर में बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि जो किचन के आइटम्स हैं खाने, ये सब सस्ते होने चाहिए क्योंकि हमारे लिए घर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो भी पहले का हम 4-5 हज़ार में चलाते थे वही 15-20-25 तक पहुंचता जा रहा है, तो हमारे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है। मैं चाहती हूँ इस बजट में थोड़ा ये सब आइटम सस्ती होनी चाहिए।